कांग्रेस का गौरवशाली इतिहास को वो लोग समझें। तो इस तरह से चुनाव का संभवतः बिगुल बुझी बज ही गया है और कांग्रेस बराबर अनवरत संगठन के काम में मधुबन के चिंतन शिविर से लेकर संगठन सशक्तिकरण के लिए सभी हमारे कांग्रेस जन लगे हुए हैं कि हमारे जगन्नाथपुर विधानसभा में विधानसभा स्तरीय एक सम्मेलन है, उसमें हम सभी लोग जाएंगे। हमारे डॉक्टर इरफान अंसारी भी उसमें आ रहे हैं, हमारे माननीय सांसद कालीचरण मुंडा जी भी हैं, माननीय पूर्व मेयर रांची की रमा खलखो जी हैं, हमारे पूर्व डिप्टी स्पीकर रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माननीय देवेंद्र चंपिया जी भी हैं, जिला अध्यक्ष आपके सामने बैठे हुए हैं, हमारे जिला परिषद के सदस्य हक साहब हैं। तो इस तरह से सभी कांग्रेस जन, हमारे वरिष्ठ नेता रियाज जी हैं, सभी लोग और भी नेता लोग आ रहे हैं, हम लोग वहाँ शिरकत करेंगे। जो हमारे कार्यकर्ताओं की भावना है उसको सीट शेयरिंग की बैठक में हम रखेंगे। कांग्रेस गठबंधन के साथ निश्चित रूप से चुनाव में बड़े भाई छोटे भाई का विवाद आ रहा था, कोई विवाद नहीं है। यहाँ नेता माननीय श्री शिबू सोरेन जी हैं, उनके नेतृत्व में गठबंधन की सरकार लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सीएम के पद को लेकर कुछ चर्चाएं चल रही? कोई चर्चा नहीं है, सारे आपके प्रभारी ने कुछ नहीं, वो सब कोई ये नहीं है, सारा चीज साफ हो जाएगा। आप देखें, आप आए तो बैठक में पार्टी कार्यकर्ता लोग एक अंडा का बदला तीन अंडा का मांग कर रहे थे, अब तक वो अंडा ठीक है, अभी तो चल ही रहा है, मांग तो चलेगा चलेगा ही। कितने सीट? मनोहरपुर सीट के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे अभी, किसी सीट के बारे में दावा है उसके, मैंने आपके मैं कार्यकर्ताओं की भावनाओं को बैठक में निश्चित रूप से मजबूती के साथ रखूंगा। डॉक्टर रामेश्वर उरांव जो सीएलपी के नेता हैं, माननीय मंत्री हैं, वे मनिका सदवरवा चांदो की ओर निकले। राजेश ठाकुर निवर्तमान अध्यक्ष प्रदेश, वे रामगढ़ हजारीबाग की ओर निकले। तो सभी प्रमंडल में हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेता सुखदेव भगत भी संथालपना के क्षेत्र में। पहले हम लोगों ने संवाद आपके साथ कार्यक्रम चलाया, उसके तहत सभी 24 जिलों में घूम करके 25वां कार्यक्रम हम लोग 24 तारीख को संपन्न किया। तत्पश्चात प्रदेश के तमाम प्रखंड अध्यक्ष डेलीगेट्स AICC मेंबर पदाधिकारियों की तमाम लोगों की बैठक लालगुटका बैंक्वेट हॉल में हुई, जिसको हमारे प्रभारी मीर साहब और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल जी ने संबोधित किया। हमारे सेक्रेटरीगण भी थे वहाँ, हमारे मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन, हमारे कंपेन कमेटी के चेयरमैन ने भी अपनी बातें रखी। इस तरह से हम लोगों का ये संवाद कार्यक्रम के पश्चात एक जन संवाद आम जनों के बीच में हम लोग संवाद के लिए निकले। इस संवाद कार्यक्रम में क्या है, लक्ष्य 2024 विधानसभा का जो चुनाव है उसी को लक्ष्य करके हमारी सरकार जो गठबंधन से चल रही है उसकी क्या विशेषताएं हैं, उनकी क्या कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के बारे हम लोग आम लोगों को अवगत करा रहे हैं। साथ ही साथ कांग्रेस की जो नीति हैं, कार्यक्रम हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, नई पीढ़ी के लोगों को उसकी जानकारी दे रहे हैं।